फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वीर अहिर निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष यदुवंश वरुण आदित्य ने कहा कि अगर अपना हक लेना है तो शोषण से बचना है तो सभी यादवों को एकजुट होना होगा। वर्षों से चली आ रही हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, इसे दिलाने के लिए हर यादव को आगे आना चाहिए तथा अपने समाज के लोगों को विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का भी हक दिलाने और सहयोग करने में संगठन पूरी मदद करेगा। प्रदेश अध्यक्ष शाहजहां पूरे जिले में जमुनिया दौलतपुर स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रांगण में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। 3 अक्टूबर यानी रविवार को आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी चर्चित यादव ने कहा कि संगठन एक परिवार होता है। जिस तरह परिवार को चलाने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह संगठन के लिए हर व्यक्ति व कार्यकर्ता के योगदान की आवश्यकता है। संगठन में रहकर हर कठिन से कठिन कार्य को सफल बनाया जा सकता है। वहीं वीर अहिर निर्माण सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी अखिलेश यादव ने बताया कि यादव समाज के लोगों को अभी तक अपना हक नहीं मिल पाया है। हर जगह यादव समुदाय के लोग पीछे हैं और पिछड़े रहे हैं, इसलिए सभी यादव लोग आगे आकर अपने हक की लड़ाई लड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज बहादुर यादव व समस्त यादवों के सपनों को साकार करें। वहीं छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अंकित यादव ने बताया कि 18 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी यादव संगठन एकत्र होकर अहिर रेजिमेंट की मांग रखेंगे। इस बार अहिर रेजिमेंट का हक लेके रहेंगे। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि इतने वर्षों से राजनीतिक पार्टियां यादवों को केवल बरगलाने का कार्य करती आ रही है। उनका कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और ना ही उनका हक मिल पा रहा है, इसलिए सभी यादव संगठन के माध्यम से साथ हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारा पिछड़ेपन का कार्य हमारा अकेलापन है। उन्होंने कहा कि वो दौर नहीं है जो यादव पीछे रहे, अब हर यादव एकत्र होकर हर हक की लड़ाई लड़ेगा। हम बहुसंख्यीय हैं और अपना स्वाभिमान बरकरार रखेंगे। इसके अलावा युवा जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर यादव का कार्य अच्छा होने पर उन्हें जिला अध्यक्ष और संजीव यादव को वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया। वहीं 2 पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यकारिणी की जगह दी गई। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों को मनोनय पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान युवा जिला अध्यक्ष दीपेंद्र यादव, छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तहेंद्र सिंह यादव, थानेश्वर सिंह यादव, बहादुर जिला उपाध्यक्ष कर्मवीर यादव, तारीफ सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।